नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राव स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बापू में, जहाँ पर मिलता है आपको थोड़ा ज्ञान अबाउट ऑल और कुछ इनाम भी। आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज रोज़ देखते होंगे और ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोज़ में कोने में, ऊपर हो या नीचे हो, उस चैनल का लोगो दिख रहा होता है, लेकिन आपके वीडियोज़ में वो लोगो नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूँ, वो अपने आप नहीं होता है, उसको सेटिंग करना पड़ता है। एक बार आपको सेटिंग करना पड़ेगा आपका YouTube स्टूडियो में जाके, तो फिर उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए आपका हर वीडियो में वो आता रहेगा। वो कैसे सेटिंग करना है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर कन्फ्यूजन होगा। इसलिए एंड तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर दबा दीजिए। तो पूरा डिटेल में हम इसके बाद समझाते हैं कैसे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने लोगों को अपने हर वीडियो में दिखा सकते हो, चाहे 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए हो, चाहे वीडियो का शुरू से लेकर एंड तक हो, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। एक बार सेटिंग करना है, हर वीडियो में बार बार वो आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना लोगो तैयार कर लीजिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला, पूरा कलरफुल बैकग्राउंड वाला मत कीजिए, ट्रांसपेरेंट वाला करेंगे तो अच्छा रहेगा, वही अच्छा होता है, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आप क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, लेकिन अगर आपको ट्रांसपेरेंट में कैसे लोगो बनाना है नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा पिक्सल लग के मदद से कैसे आप ट्रांसपेरेंट लोगो बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताया था। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और वहाँ पर जाके youtube.com ओपन कर लेना है, मेरा ओपन हुआ है। आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर नहीं करना है, डेस्कटॉप मोड नहीं करना है। यहाँ पर आपके ऊपर कॉर्नर पर जाइए, आपका चैनल का लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, हालांकि ये मेरा चैनल नहीं है, किसी और का चैनल है, इस चैनल का ऊपर आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन इस चैनल में भी एक धमाकेदार वीडियो है जो कि हैदराबाद फिल्म सिटी के ऊपर है, रामोजी फिल्म सिटी के ऊपर है, 15-20 मिनट का पूरा वीडियो है, एकदम क्लियरली HD क्वालिटी में दिखाया गया है पूरा फिल्म सिटी को, रामोजी फिल्म सिटी को, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो लोगो आइकन, उसके ऊपर क्लिक करते हैं कॉर्नर में, यहाँ पर देखिए एंजॉय टाइम इस चैनल का नाम है, नीचे क्रिएटर स्टूडियो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको यही करना है जो मैं कर रहा हूँ, आपको यही करना है, ध्यान से देखिए। अभी देखिए लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस आ गए, डैशबोर्ड, वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीमिंग, कम्युनिटी, चैनल, चैनल पर आपको क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको ब्रांडिंग वाला ऑप्शन चूज करना है। ब्रांडिंग वाला ऑप्शन चूज करने के बाद देखिए ब्रांडिंग में जब आया, यहाँ पर देखिए ब्रांडिंग वाटरमार्क ऐड है, वाटरमार्क अभी वाटरमार्क ऐड करना है, जो लोगो वीडियो में दिखता है कॉर्नर पे वो वाटरमार्क ही बोला जाता है उसको, तो उसको हम वाटरमार्क अभी ऐड करेंगे, ऐड है वाटरमार्क करता हूँ। अभी देखिए अपलोड है वाटरमार्क, यहाँ पर दिखा दे रहा है इमेज के साइज हिसाब से, जो फुल है, फुल कलरफुल बैकग्राउंड वाला है उसको प्रेस करना है, बाकी जो ट्रांसपेरेंट वाला है ऐसा ही चूज करना है। अभी चूज फाइल करना है, मैं ऑलरेडी पहले से बना के रखा हूँ अपने मोबाइल में, अभी जहाँ पर भी फोल्डर में है वो इमेज में वहाँ पर जाता हूँ। आपको ऐसे ही चूज करना है, ये तो हर किसी को आता होगा कैसे इमेज सेलेक्ट करते हैं। पिक्सल लैब में है, पिक्सल लैब ओपन करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले वाला जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है वही है ट्रांसपेरेंट वाला, लेकिन बैकग्राउंड उसका व्हाइट नहीं है, यहाँ पर खाली दिखता है लेकिन वहाँ पर नहीं दिखेगा, मैं उसको चूज करता हूँ। तो दूसरा वाला जो कलरफुल बैकग्राउंड वाला, अभी देखिए यह यहाँ पर आ चुका है, अभी मैं सेव मारता हूँ, सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी ये सेव हो रहा है, सेव हो जाने के बाद आपको पूरा दिख जाएगा। लेकिन ये जो वाटरमार्क है मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं उसमें नहीं दिखेगा, जो लोग कंप्यूटर में दिखेंगे उनको ये दिखेगा वाटरमार्क, मोबाइल में वाटरमार्क नहीं दिखता है। देखिए योर अपलोड वाटरमार्क, ये देखिए इस तरह का हो चुका है, देखिए कितना बड़ा इमेज मैंने सेलेक्ट किया था लेकिन खाली लोगो आया, क्योंकि इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट था इसलिए खाली लोगो आया। अब इसको सेव करना है, ये सेव हो जाने के बाद 5-10 मिनट के बाद आप कभी भी कोई भी कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो आपका वीडियो ओपन करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा। अभी यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले टाइप, कस्टम स्टार्ट टाइप, कस्टम एंटायर वीडियो, एंड ऑफ वीडियो, मतलब आपको जो वाटरमार्क कितने देर तक रखना है वीडियो में, तीन ऑप्शन दिया है, एंड ऑफ वीडियो यानी कि वीडियो के एंड में दिखेगा, कस्टम स्टार्ट टाइम यानी कि आप टाइम चूज कर सकते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, या फिर एंटायर वीडियो यानी कि पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखना है। मैं एंटायर वीडियो ही चूज करता हूँ, ये अच्छा होता है, ये हर वीडियो में एंड तक दिखेगा, चूज कर लिया, अभी अपडेट करता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कीजिए जो भी आपको पसंद है।
अभी देखिए ये साइड में भी दिख रहा है लोगो कहाँ पर दिखेगा, ये देखिए ब्रांडिंग वाटरमार्क जो इमेज का साइज दिख रहा है, वीडियो का साइज वहाँ पर नीचे दिख रहा है, ये देख लीजिए ऐसे ही आएगा यहाँ पर। अपडेट हो जाने के बाद पूरी तरह ये आ जाएगा, देखिए सेव सक्सेसफुली, ऊपर देखिए कॉर्नर पर लिख रहा है सेव सक्सेसफुली, यानी कि ये हो चुका है। अब जब भी कोई कंप्यूटर में खोल के देखेगा 10 मिनट के बाद पूरा उसको दिखेगा। तो ये था ब्रांडिंग कैसे करना है, वाटरमार्क कैसे करना है अपना लोगों को। तो आगे मैं बताता हूँ वाटरमार्क वाला जो लोगो है उसको पिक्सेल लैब से कैसे तैयार करना है, आगे उसको जानने के लिए देखते रहिए। Thank you.